हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके नेम, एज, जेंडर, टाइप ऑफ स्पेसिमेन, UHID नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आइडेंटिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिसीविंग ऑफ द सैंपल। जो हम सैंपल रिसीव करते हैं, जो कि हम आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, तो आगे का प्रोसेस हमारा क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो एक दिन में हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स आते हैं, जिसमें कि कई सैंपल्स हमारे खुद के हॉस्पिटल से आते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन होने के बाद आते हैं, और कई सैंपल्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर वाले हॉस्पिटल से आते हैं, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल बोल सकते हैं, जो कि जो छोटा हॉस्पिटल होता है जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी लैब नहीं होता है, तो वो अपने सैंपल्स को हमारे हॉस्पिटल में भेजते हैं, तो वो हमें चेक करना होता है। तो जब हम सैंपल रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें ये चेक करते हैं कि इसमें फिक्सेटिव एजेंट डाला हुआ है कि नहीं। अगर फिक्सेटिव एजेंट नहीं डाला होता, तो सबसे पहले हम उसमें डालते हैं 10% फॉर्मलिन, और उसे 24 आवर्स के लिए फिक्स होने के लिए रख देते हैं। 10% फॉर्मलिन से क्या होता है, 10% फॉर्मलिन एक फिक्सेटिव एजेंट है जो कि पुट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस से टिशू को बचाता है। टिशू का जो नेचर होता है वो होता है ऑटोलाइसिस और पुट्रिफिकेशन। पुट्रिफिकेशन मीन्स बैक्टीरिया जो होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैक्टीरिया इन द टिशू, जिससे कि जो टिशू होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो जो टिशू होते हैं, अगर ब्रेक डाउन हो गए तो हमें आगे दिक्कत होगी प्रोसेस करने में जो टिशू को, इसलिए उसे फिक्सेटिव एजेंट के साथ फिक्स किया जाता है, ताकि वो सड़े गले मत और साफ सुथरा रहे और अच्छे से फिक्स हो सके। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो लार्ज टिश्यू आते हैं, जैसे कि यूट्रस का सैंपल आता है, यूट्रस का सैंपल बहुत ही लार्ज टिश्यू होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको हाफ पीस में उसको कट करके उसको फिक्स होने के लिए रख देते हैं। उसको हाफ पीस में क्यों कट करते हैं, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही रख दें तो जो फिक्सेटिव एजेंट है अच्छे से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अंदर तक। तो अंदर तक अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाया ठीक से, तो अंदर से जो टिश्यू है वो ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम उसे हाफ पीस कट करते हैं, उसके बाद फिर उसे फिक्स होने के लिए 24 आवर्स के लिए रख देते हैं, उसके बाद फिर हम उसे ग्रॉसिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे ऐसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहूँगा, और कमेंट भी करिएगा जो चाहते हैं वो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। और कई लोगों का कमेंट आया था कि इस कोर्स को करने के लिए क्या करना होता है, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि मेरा वीडियो आपको पता चल सके।